हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकार जॉब न्यूज़। कई महत्वपूर्ण टॉपिक है और रिलेटेड प्रश्न है इस पूरे वीडियो में, जैसे किस देश के हैकर्स ने इंडियन पावर प्लांट्स को हैक करने की नाकाम कोशिश की और इसकी पुष्टि केंद्र सरकार ने की है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में रूस को यूएन के किस परिषद से बाहर कर दिया, तो इस परिषद का क्या काम है और एक वीटो पावर वाला देश कैसे आउट हो गया यूएन के इस एक अंग से, उस पर चर्चा होगी। लोकसभा ने वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कानून के संशोधन विधेयक को पारित कर दिया है, जिसमें क्या प्रावधान है और वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वो होता क्या है। ऑस्कर समिति ने विल स्मिथ, जो कि बेस्ट एक्टर अवार्ड विजेता हैं ऑस्कर के, उन पर कुछ वर्षों के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। तो क्या मामला है, कितने वर्षों के लिए लगा है, इसके अलावा भी कई और क्वेश्चन हैं, जैसे स्टैंड अप इंडिया स्कीम है, स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इन सब पर बात करेंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन से। केंद्र सरकार ने किस देश के हैकर्स द्वारा भारतीय पावर प्लांट्स को हैक करने की नाकाम कोशिश की पुष्टि की है? आंसर होगा चाइना। आंसर चाइना है। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं कि चाइनीज हैकर्स ग्रुप कंटिन्यू टू टारगेट इंडियन पावर प्लांट्स, से गवर्नमेंट। जो पावर मिनिस्टर हैं आर के सिंह, उन्होंने इस बात का खुलासा किया और कहा है कि चीन के हैकर्स ने कम से कम दो बार लद्दाख के पास जो बिजली वितरण केंद्र है उसको हैक करने की कोशिश की, लेकिन भारत का जो इतना सुरक्षा तंत्र है उसकी वजह से वो असफल हो गए हैकर्स। और ये जो हैक करने की कोशिश है उसको लेकर अमेरिका की जो सिक्योरिटी फर्म है रिकॉर्डेड फ्यूचर, उसने भी इसकी पुष्टि की है। उसने भी कहा है कि हाल के महीनों में 7 भारतीय स्टेट लॉ डिस्पैच सेंटर्स उसके नेटवर्क में घुसपैठ की कोशिश हुई है। SLDC, जिस मतलब वो कहते हैं कि राज्यों के भीतर जो ग्रिड कंट्रोल सिस्टम होता है उसको, उसमें घुसपैठ करने की कोशिश की गई, और ऐसे ही कोशिश लद्दाख में भी हुई, भारत और चीन की जो सीमा है उसके पास में। अब यहाँ सवाल उठता है कि चीन के किस ग्रुप ने हैकिंग करने की कोशिश की है, तो रिकॉर्डेड फ्यूचर जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका कहना है कि चीन के कई हैकिंग ग्रुप हैं, जैसे थ्रेट एक्टिविटी ग्रुप है 38 और रेड इको, तो उन सब ने कोशिश कई बार की है। और क्या होता है ये हैकिंग, क्या होती है? देखिए, रिपोर्ट में ये कहा गया है कि चीनी हैकर्स के द्वारा जो भारतीय पावर ग्रिड है उसकी जो संपत्ति है वहाँ पर आर्थिक या फिर खुफिया जानकारी लेने की कोशिश की गई है, तो हैकिंग के जरिए बिजली सप्लाई ठप करने की भी कोशिश हो सकती है। सरकार ने तो कहा ही है कि चीन के जो ग्रुप हैं वो सब हैक करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। हालांकि चीन ने इसको खारिज किया, कहा कि ऐसा नहीं है, ये अमेरिका की साजिश है, अमेरिका ने आरोप लगाया है। हालांकि इंडिया पर ऐसा कुछ उसने नहीं कहा है। ओके, आपको पता होगा कि 2020 के बाद से, जब से गलवान घटना हुई है उसके बाद से भारत में जो हैकिंग के मामले हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और एक बार 2020 में गलवान घटना के बाद ही मुंबई में अचानक बिजली बाधित हो गई थी, पूरे मुंबई महानगर महाशहर जो है उसकी, और उसमें उस दौरान जो कई रिपोर्ट्स आई मीडिया की उसमें ये आशंका जताई गई थी कि चीन ने हैकिंग के जरिए ऐसा किया था, बिजली रोक दी थी। तो ऐसे खतरे लगातार बने हुए हैं और उसके लिए सरकार भी अपनी तरफ से तैयार हो रही है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात थी जो आपने समझा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों, पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन जरूर दबा देना और शेयर कर दीजिए प्लीज़ इस वीडियो को तमाम मित्रों को। अगला क्वेश्चन होगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने वोटिंग के जरिए रूस को यूनाइटेड नेशंस के किस परिषद से निलंबित कर दिया या कहें आउट कर दिया? आंसर होगा UNHRC। फुल फॉर्म क्या होगा? ह्यूमन राइट्स काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। और न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, वोटिंग कब हुई है जनरल असेंबली में, तो 7 अप्रैल को वोटिंग हुई है, उसके जरिए ये फैसला हुआ है। और इस दौरान हम देख रहे हैं कि जो मतलब पहले बता दूं कि ये वोटिंग किस मामले के लिए हुई, दरअसल हुआ ये है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला किया हुआ है और मानवाधिकार हनन के मामले सामने आते रहे, लेकिन यूक्रेन के बूचा शहर में बड़े पैमाने पर नरसंहार की खबरें आई हैं।
मतलब रूसी सेना ने वहाँ आम लोगों को बहुत बेरहमी से उसका कत्ल किया है, गोलियाँ चलाई हैं, और ऐसे सबूत फोटोग्राफ वीडियोस के माध्यम से और न्यूज़ के माध्यम से बाहर आ रहे हैं। तो उसी के बाद अमेरिका ने ये कहा कि जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहा है इतना बड़ा, उसको ह्यूमन राइट्स काउंसिल में रहने का अधिकार नहीं है। ह्यूमन राइट्स काउंसिल में 47 मेंबर होते हैं और 3 साल के लिए चुनाव होता है। तो रूस जो है वो 2021 में वो चुन के आया था और उसकी अभी सदस्यता थी। इंडिया भी इसका सदस्य है। जनरल असेंबली में क्यों वोटिंग हुई? क्योंकि जनरल असेंबली का ही एक हिस्सा कहलाता है ह्यूमन राइट्स काउंसिल, समझ के बात। अब क्या हुआ है कि ये जो प्रस्ताव गया था अमेरिका की ओर से कि रूस को सस्पेंड कर दिया जाए, तो उसके पक्ष में 93 कंट्री ने वोट किया, अगेंस्ट में 24 कंट्री ने किया और इंडिया सहित 58 कंट्री एब्सेंट रहे। और UNHRC से किस देश को आउट किए जाने यानी सस्पेंड किया जाना, ऐसा दूसरा वाक्य है। इससे पहले 2011 में लीबिया को आउट किया गया था यानी सस्पेंड किया गया था UNHRC से। तो आप समझ लेते हैं कि UNHRC है क्या, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। तो देखिए, ये यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गन का एक हिस्सा है। किस ऑर्गन का हिस्सा है? तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का। 6 प्रिंसिपल ऑर्गन होते हैं यूनाइटेड नेशंस के। जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ट्रस्टशिप काउंसिल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है और सेक्रेटेरिएट है। तो उसी में से एक प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, तो उसी का ये हिस्सा है UNHRC। ओके, इसकी स्थापना हुई थी 2006 में। मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। सचिवालय का क्या नाम है? ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये है ऑफिस का नाम उसके। टोटल मेंबर कंट्री है 47। तो ये तो था UNHRC का एक संक्षिप्त उसके बारे में इंफॉर्मेशन। अब सवाल है कि UNHRC की सदस्यता कैसे मिलती है? तो जैसे मैंने बताया, 47 कंट्री होते हैं, मेंबर कंट्री होते हैं, और इनका चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जरिए, वोटिंग के जरिए होता है। और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। लगातार 2 कार्यकाल के लिए चुने जा सकते हैं, उसके बाद फिर गैप करना होता है, फिर आप उसके लिए इलेक्शन लड़ सकते हैं। ओके, रूस जो है वो 2021 में इसका मेंबर बना था, मेंबर चुना गया था वोटिंग के जरिए। तो UNHRC जो है वो उसका काम क्या है? तो मानवाधिकार को लागू कराना पूरे दुनिया में, और अगर कहीं मानवाधिकार हनन हो रहा है तो उस मामले में आदेश जारी करना, कार्रवाई करना। लेकिन इसका आदेश जो है वो लागू करना अनिवार्य नहीं होता है उन देशों के लिए। ओके, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से इसके मेंबर बनते हैं, ये सब देख रहे हैं आप। अफ्रीकी देश से 13 सीटें हैं, एशिया प्रशांत देशों से 13 हैं, लैटिन अमेरिकी कैरेबियन कंट्री से 8, पश्चिमी यूरोप और अन्य देशों से 7, और पूर्वी यूरोपीय देश के 6 सीट हैं। क्लियर हो गई बात? तो UNHRC से रूस को सस्पेंड करने के लिए जो वोटिंग हुई, उसमें अमेरिका सहित 93 कंट्रीज़ ने पक्ष में वोट किया, यानी रूस को सस्पेंड करने के लिए वोट दिया। ओके, और आपको बताऊं कि 24 देशों ने अगेंस्ट में वोट दिया, यानी रूस का साथ दिया 24 देशों ने। 24 संख्या एक बड़ी संख्या नज़र आ रही है। और 58 कंट्री ऐसे थे भारत सहित जिन्होंने जो मतलब अनुपस्थित रहे। ओके, और ये मैप है, रेड कलर में जो कंट्रीज दिख रहे हैं उन सब ने रूस का साथ दिया, और जो ब्लू कंट्रीज दिख रहे हैं ब्लू कलर में, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, इन सब को देखते हुए, और म्यांमार, एक अलग बात देखने को निकली कि म्यांमार जो है वो रूस को सस्पेंड करने के लिए वोट किया है। ओके, और जो येलो कलर के जो कंट्रीज़ हैं इंडिया सहित, उन सब ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। तो ये बात देखने को मिली है। प्रस्ताव पर वोट नहीं देने वाले देशों में भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, ब्राज़ील, इंडोनेशिया वगैरह वगैरह कई सारे देश हैं। ओके, अब सवाल होता है कि यूनाइटेड नेशंस में इस वोटिंग के दौरान भारत का क्या रुख रहा, भारत ने क्या कहा? एक तो इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया वोटिंग में, और तो TS तिरुमूर्ति हैं वहाँ पर भारत के स्थायी प्रतिनिधि, उन्होंने कहा कि भारत हमेशा डायलॉग और डिप्लोमेसी की बात करता रहा है, और
यूक्रेन के जो बूचा शहर है वहाँ पर जो सिविलियन किलिंग की रिपोर्ट्स आई है उसके बाद इंडिया इस घटना को कंडेम करता है, यानी निंदा करता है, और इंडिया एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की मांग करता है। ये जो वॉर हो रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में, उसकी वजह से दुनिया भर में फूड और एनर्जी के कॉस्ट बढ़ रहे हैं, जो कि डेवलपिंग कंट्री के लिए संकट का वक्त की ओर धकेल दिया जा रहा है डेवलपिंग कंट्रीज़ को। तो दोनों पक्षों को, यानी यूक्रेन और रूस को, जल्दी से इस पूरे मामले पर रिजोल्यूशन करना चाहिए, और भारत ह्यूमन राइट्स को लेकर हमेशा आगे रहा है, ऐसा इंडिया ने कहा है। अच्छा, रूस के खिलाफ इससे पहले भी संयुक्त राष्ट्र के अलग अलग जो निकाय हैं उन सब में, चाहे वो सिक्योरिटी काउंसिल हो या फिर जनरल असेंबली हो, उन सब में इंडिया अनुपस्थित रहा है। हालांकि इससे पहले जो अनुपस्थित रहा इंडिया, तो वो सब मामला रूस के पक्ष में गया था, लेकिन UNHRC में रूस को निलंबित, यानी UNHRC से रूस को निलंबित करने का जो प्रस्ताव रहा, उसमें भारत का अनुपस्थित रहने का मतलब यह हुआ कि इंडिया ने रूस का साथ नहीं दिया। और आपको बताऊं कि रूस ने वोटिंग से पहले दुनिया के देशों को चेतावनी दी थी कि अगर किसी देश ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया या फिर वो अनुपस्थित रहा, तो इसे गैर मित्रता वाला संकेत माना जाएगा, अनफ्रेंडली जेस्टर माना जाएगा। और वोटिंग से पहले रूसी अधिकारियों ने भारतीय डिप्लोमेट से इस मामले संपर्क किया था, उधर अमेरिका ने भी कांटेक्ट किया था, हालांकि इसके बावजूद भारत ने अनुपस्थित रहने का फैसला किया। क्यों किया ऐसा? दरअसल देखिए, बूचा में जो नरसंहार के मामले सामने आए हैं वो बहुत ही भयावह है, और ऐसे में वोट न देना भारत का सोची समझी रणनीति है। अच्छा, एक और चलते चलते सवाल कि आखिर रूस जो है उसके पास वीटो पावर है, तो वो कैसे आउट कर दिया गया? तो देखिए, वीटो पावर का यूज़ केवल और केवल आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कर सकते हैं, और उसमें भी कुछ खास तरह के जो चीज़ें हैं उन सब में ही कर सकते हैं, हर जगह आप वीटो का पावर यूज़ नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोकसभा ने सामूहिक विनाश के हथियार, यानी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, उसके कानून में बदलाव का विधेयक पास किया, तो इसके तहत किस तरह के हथियार आते हैं, किस तरह के हथियारों को हम वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहते हैं? आंसर होगा न्यूक्लियर, जैविक और रासायनिक। ये तीनों जो हथियार हैं उसको कहा जाता है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो इंडिया ने विधेयक के जरिए भारत के जो 2005 का कानून था उसमें बदलाव किया है। इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, और उसमें हम डिटेल में बात करेंगे, और इस क्वेश्चन में हम लोग ये भी देखेंगे कि सामूहिक विनाश के हथियार क्या होते हैं, उसके बारे में और डिटेल, इंडिया ने अपना कानून क्यों चेंज किया है, विधेयक में क्या प्रावधान है, और किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रिकमेंडेशन पर कानून में बदलाव किया गया है, और क्या क्या प्रावधान हो रहे हैं इस मामले में। तो डिटेल बताऊँ उससे पहले इन्फॉर्म कर दूँ कि 2021 और 2022 का टोटल अब तक का करेंट फोर्स PDF अवेलेबल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, और आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं sarkarijobnews.com का। इसके थ्रू आपको मिलता है करेंट फोर्स का PDF एवरी वीक, एवरी मंथ, ट्राई मंथ, जैसे 3 महीनों का PDF आ चुका है, इसके अलावा हाफ ईयरली, ईयरली और पिछले सालों को भी। मेंबरशिप का मतलब है कि अभी अप्रैल 2022 में मेंबरशिप ले रहे हैं, तो अप्रैल 2023 तक आप मेंबर रह सकते हैं, और मिलता है आपको करंट फोर्स का PDF लगातार अपडेट। इसके अलावा वीकली मॉक टेस्ट होता है एवरी संडे को, इस संडे को भी होना है, तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं करंट फोर्स टेस्ट के लिए, और मंथली टेस्ट सीरीज आयोजित होता है जिसमें हर तरह के क्वेश्चंस इसमें रखे जाते हैं, UPSC हो, SSC हो, रेलवे हो, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो, और 40% डिस्काउंट है बुक्स पे, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। PDF चाहिए तो आप मेंबरशिप ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। लोकसभा ने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, यानी WMD, इसके कानून में बदलाव के विधेयक को पास किया है, तो इसके तहत क्या प्रावधान हैं? तो इसका आंसर होगा वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को लेकर अगर कोई फंडिंग करता है तो उसकी संपत्ति जब्त कर देना, सीज कर लेना, ओके, ये है। तो
तो इससे रिलेटेड कई सवाल हैं, उन सब पे हम बात करते हैं। सबसे पहले विधेयक का नाम ले लेते हैं, क्या है विधेयक का नाम। मेरे बगल में आप देख रहे हैं कि अगर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस एंड देयर डिलीवरी सिस्टम प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ अमेंडमेंट बिल 2022। ओके, ये कहते हैं किस वर्ष के कानून में बदलाव का प्रस्ताव है इसके तहत, तो 2005 का जो कानून है ऐसा ही उसमें बदलाव, उसमें अमेंडमेंट करने का प्रावधान है। ठीक है, सामूहिक विनाश के हथियार क्या होते हैं, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था तीन तरह के हथियार होते हैं मूलतः, न्यूक्लियर वेपन, बायोलॉजिकल वेपन और केमिकल वेपन। ये सब हथियार जो हैं वो सामूहिक विनाश के हथियार माने जाते हैं। न्यूक्लियर वेपन वही जो परमाणु बम जिससे सामूहिक विनाश हो जाता है बहुत बड़े पैमाने पर। बायोलॉजिकल वेपन जिसमें वायरस बैक्टीरिया को वेपन की तरह यूज़ किया जाता है और बहुत बड़ी आबादी को मारने या बीमार करने के लिए उपयोग किया जाता है। केमिकल वेपन क्या होता है, गैस या लिक्विड फॉर्म में होता है, यूज किया जाता है और बड़ी आबादी को मारा जा सकता है और या फिर उसको बीमार किया जा सकता है। ओके, अब सवाल है कि किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रिकमेंडेशन पर इंडिया ने कानून में बदलाव का विधेयक पेश किया है संसद में, तो FATF फुल फॉर्म क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। मुख्यालय कहाँ है FATF का, पेरिस में फ्रांस में। कितने मेंबर कंट्री FATF के, तो 39। आमतौर पे आपने FATF को सुना होगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में कर दिया, फलाने देश को ग्रे लिस्ट में कर दिया, उसके अलावा भी इसके पास बहुत सारे काम है। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने खास काम दिया हुआ इसे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, उसको लेकर कंट्रोल करना। देखिए क्यों खतरा है, खतरा बड़ा मतलब खतरा ऐसे संगठन या देश से जिस पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, जिसके हाथ में अगर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन लग जाए तो वो बहुत बड़ी संख्या में लोगों को मार सकता है। और इस स्थिति को भांपते हुए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने FATF को इस मसले पर सदस्य देशों को कानून बनवाने की जिम्मेदारी दी थी। FATF ने कुछ साल पहले एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था इसी को लेकर, और इसके तहत ये था कि जो भी मेंबर कंट्री है उनसे कहा गया कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को रोकें। कहा गया कि अगर किस देश को पता चल गया कि कोई अमुक आदमी, कोई अमीर आदमी या कोई संगठन वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन उसके प्रोग्राम को फंडिंग कर रहा है तो उस पर एक्शन लिया जाए। कैसा एक्शन लिया जाए, तो उसके एसेट, पैसे, बैंक अकाउंट, जो भी संपत्ति है उसको फ्रीज कर दिया जाए और सीज कर दिया जाए। बाद में उस पर कानूनी मुकदमे, कानूनी कार्रवाई वो सब चलती है तो चलने दिया जाए, ताकि गलत लोगों के हाथ में वेपन ऑफ जो डिस्ट्रक्शन है वो हाथ न लगे उसके पास। ओके, और आज के समय में ब्लैक मार्केट में कई खबरें आ चुकी हैं कि न्यूक्लियर वेपन बेचने के भी मामले सामने आए। तो FATF ने क्या रिकमेंड किया था, FATF ने कहा कि तमाम देश ऐसा कानून पास करें जिसमें वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की फंडिंग करने वाले व्यक्ति या संगठन पर तुरंत एक्शन हो, उसको उसके संपत्ति को सीज कर दिया जाए। ओके, तो भारत ने 2005 के कानून में जो प्रावधान थे कई सारे, उसमें ये था कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन उसको वितरण, निर्माण, परिवहन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इन सब पर बैन का प्रावधान था। और इसमें ये नियम था कि अगर कोई व्यक्ति न्यूक्लियर वेपन या टेक्नोलॉजी या इससे रिलेटेड दूसरे जो वेपन, बायोलॉजिकल वेपन है, उन सब के मटेरियल को स्मगलिंग करते हुए पाया जाता है तो उसको सज़ा हो सकती है। डायरेक्ट या इनडायरेक्टली नॉन स्टेट एक्टर्स को न्यूक्लियर इक्विपमेंट या उसके पार्ट्स को बेचता है तो उस पर सख्त सज़ा का प्रावधान था। लेकिन नए जो विधेयक आए हैं उसमें यह किया गया है कि तुरंत ही उसकी सारी संपत्ति, उसके पैसे, उसके बैंक अकाउंट वगैरह वगैरह उन सब को सीज कर दिया जाएगा ताकि वो कुछ आगे कार्रवाई ना कर सके, फिर कानूनी कार्रवाई होती रहेगी। ओके, और वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून भी बने हुए हैं। 1925 के जेनेवा प्रोटोकॉल में केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स पर बैन लगाया गया था। 1972 यानी 1972 के बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन और वेपन्स कन्वेंशन 1992 में पूरी तरह से केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स को प्रतिबंधित कर दिया गया था। मतलब कोई देश भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है, बना भी नहीं सकता है बायोलॉजिकल वेपन, केमिकल वेपन।
ओके, संगठन की बात तो अलग ही है। भारत ने 1972 और 1992 की जो दो ट्रीटी हुई थी उसको भी साइन किया हुआ है। ओके, तो ये पूरा मुद्दा है। अच्छा, सवाल होता है कि किन देशों के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, तो उसमें खासतौर पे न्यूक्लियर वेपन तो है ही इन सब देशों में, अमेरिका, रूस, फ्रांस, यूके, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इसराइल। ओके, अब सवाल होता है कि इससे पहले क्या वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का यूज़ हुआ है? हाँ, फर्स्ट वर्ल्ड वार में देखने को मिला था, सेकेंड वर्ल्ड वार में भी देखने को मिला था, और 1980 में इराक के द्वारा ईरान पर केमिकल वेपन्स के प्रयोग करने के आरोप लगे थे। इसलिए ये ज़रूरी है, मुझे लगता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था और इस मुद्दे को आप समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और दोस्तों पसंद आ ही रहा होगा तो शेयर जरूर करें इस वीडियो को। अगला क्वेश्चन लेते हैं। स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत पिछले 6 सालों में यानी 2016 से 22 के दौरान कितने रुपए के लोन दिए जा चुके हैं? आंसर होगा 30,160 करोड़ रुपए। स्टैंड अप इंडिया के तहत 6 सालों के दौरान 1,33,995 से अधिक खातों में ये रकम लोन के रूप में दिए जा चुके हैं। देखिए, 5 अप्रैल को स्टैंड अप इंडिया योजना की वर्षगांठ होती है, और इस बार 6th एनिवर्सरी थी इस पूरी योजना की, और ये वित्त मंत्रालय की ओर से आयोजित होता है, ये स्कीम चलाया जाता है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी जानकारी दी है, और उन्होंने कहा कि 5 अप्रैल 2016 को इसको लॉन्च किया गया था। ओके, तो किसे कितना लोन मिला है? सबसे ज़्यादा, अच्छा तो मैं बताऊँ सबसे पहले कि ये किसके लिए है स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया जो है सभी श्रेणी की महिलाएं, ठीक है, इसके अलावा शेड्यूल ट्राइब, पुरुष महिला दोनों, और शेड्यूल कास्ट, इन सब के लिए ये स्कीम है, और इसके तहत लोन दिया जाता है ताकि वो खड़े हो सकें, मतलब आत्मनिर्भर हो सकें और कुछ काम कर सकें। तो उसमें सबसे ज़्यादा वुमेन्स को दिया गया है, जो सामान्य कैटेगरी की महिलाएं हैं, 24,809 करोड़ रुपए। उसके बाद शेड्यूल कास्ट यानी एससी कैटेगरी के जो महिला पुरुष हैं उन सबको 3,976 करोड़ रुपए दिए गए, और उसके बाद है शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति, उनको मिला है 1,373 करोड़ रुपए। ओके, मुझे लगता है पूरी बात समझ गए होंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की जागरूकता के लिए किस शुभंकर को लॉन्च किया? आंसर होगा प्रकृति। प्रकृति शुभंकर को लॉन्च किया मस्कट को। ओके, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। तो उन्होंने ही इसे इसी अप्रैल को ये प्रकृति शुभंकर को लॉन्च किया है, और इसके जरिए प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर जागरूकता फैलाई जाएगी। ओके, दरअसल इंडिया ने यह तय किया हुआ है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी ऐलान किया हुआ है कि वर्ष 2022 तक यानी इसी साल के अंत तक सिंगल यूज प्लास्टिक को समाप्त कर दिया जाएगा। ओके, मतलब रीयूजेबल प्लास्टिक का ही यूज़ किया जाएगा इंडिया में, और तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि प्लास्टिक जो कचरा है उसका सही से निपटारा हो, और भारत हर साल लगभग 3.5 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा पैदा कर रहा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड हेल्थ डे ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा 7 अप्रैल को। ओके, क्यों 7 अप्रैल को मनाया जाता है? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। ओके, तो 2050 से ये आयोजित किया जा रहा है। इस बार की थीम क्या है? थीम है हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। ओके, और WHO की बात हो रही है, स्थापना पर यह दिवस मनाया जाता है। मुख्यालय कहाँ है WHO का? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। महानिदेशक कौन है? डॉक्टर जनरल टेड्रोस एडनॉम। अगला क्वेश्चन लेते हैं। चमेली देवी जैन उत्कृष्ट महिला मीडियाकर्मी 2021 पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? आंसर होगा आरफा जौहरी। फोटोग्राफ मेरे बगल में रहा, और ये पुरस्कार जो है वो स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक चमेली देवी जैन के नाम पर दिया जाता है।
1982 में इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी और महिला मीडिया कर्मियों को दिया जाता है जिन्होंने सामाजिक विकास, राजनीति, समानता, लैंगिक न्याय, स्वास्थ्य, युद्ध, संघर्ष, इन सब मामलों में रिपोर्टिंग की हो। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स एंड डेवलपमेंट एंड पीस, ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा 6 अप्रैल को मनाया जाता है। और थीम क्या है 2022 की? तो थीम है सभी के लिए एक सतत और शांतिपूर्ण भविष्य के लिए सुरक्षा खेल का योगदान, सिक्योरिंग सस्टेनेबल एंड पीसफुल फ्यूचर फॉर ऑल द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स। अगला क्वेश्चन, मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का खिताब किस महिला खिलाड़ी ने जीत लिया है? आंसर होगा ईगा स्विटेक। ओके, ये पोलिश टेनिस स्टार है, इन्होंने जीत लिया है। और अगला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, थप्पड़ की वजह से ऑस्कर के बेस्ट एक्टर अवार्ड विजेता विल स्मिथ को कितने वर्षों के लिए फिल्म अकादमी ने समारोह से प्रतिबंधित कर दिया, समारोह में पार्टिसिपेट करने से, वहां जाने से? आंसर होगा 10 साल। विल स्मिथ ये रहे और इन्होंने 2022 का जो अवार्ड हुआ तो उस दौरान इनको तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, लेकिन वहाँ पर जो एक कॉमेडियन थे क्रिस रॉक, जो कि वहाँ प्रेजेंट भी कर रहे थे पूरे समारोह को, तो उनको इन्होंने थप्पड़ मार दिया था। ये रहा फोटोग्राफ। दरअसल क्रिस जो कि कॉमेडियन है, उन्होंने स्मिथ की पत्नी जेडा पिंकेट स्मिथ के गंजेपन का मजाक उड़ाया था। इनकी वाइफ को एक बीमारी है और उसका नाम है एलोपेसिया, ये इम्पॉर्टेंट नाम है, तो उसकी वजह से गंजेपन के मामले आते हैं। तो इन्होंने मजाक उड़ाया और फिर स्मिथ गए और इन्होंने एक थप्पड़ दे दिया। हालांकि उसके बाद स्मिथ को बेस्ट एक्टर चुना गया, लेकिन फिर एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस, जो कि ऑस्कर अवार्ड देता है, उसने इस मामले में एक्शन लेने का फैसला किया और 10 साल के लिए इनको समारोह में उपस्थित होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये फैसला हुआ है। तो दोस्तों, ये था टोटल इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आप सरकारी जॉब में उसका ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल प्ले पर जाइए, सरकारी जॉब में सर्च कीजिए, ये लोगो दिखाई देगा और आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके थ्रू आप करंट अफेयर्स की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स वीडियो में।